नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री आकाश पे। कुछ समय पहले मैंने कद्दू की खेती का वीडियो डाला था यूट्यूब पे, आपने उसे बहुत देखा, बहुत पसंद किया आप लोगों ने, देखकर बहुत अच्छा लगा। तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि आगे जो वीडियो आएगा कद्दू की खेती का, वो कद्दू की खेती में फल आने पर मैं बनाऊँगा। तो हमारे कद्दू के खेत में फल आ गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब मैं इस पर बताऊँगा। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कद्दू खेती कैसे करें, मौसम कैसा होना चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, बीज कितना लगता है, या लगभग बुआई से लेके 30 से 35 दिन तक के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 30-35 दिन के बाद जब फूल लगने जाते हैं, फल लगने लग जाते हैं, तो क्या समस्याएं आती हैं, कैसे सिंचाई करना चाहिए, क्या रोग आता है, रोग का कैसे रोकथाम करना चाहिए, तो इस बारे में पूरा मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती से रिलेटेड ऐसी ही जानकारियाँ हम देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फल आने के बाद एक रोग होता है जो फल की मक्खी होती है। यह फल की मक्खी फलों में प्रवेश कर जाती है, यानी फल के अंदर चली जाती है, वहीं पे अंडे देती है। अंडों से सुंडी जो होता है वो बाहर निकलती है, जिससे हमारी फसल ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इसका रोकथाम है, उस पर आप तो जानते हैं कि आप दुकान पर चले जाएँगे, बीज भंडार पर चले जाएँगे, तो वहाँ आपको तमाम तरीके की जान दे दिए जाएंगे दवाइयाँ। लेकिन मेरा जो मकसद है कि आपको मैं कम से कम खर्चे में घरेलू उपयोग में कैसे बता दूं, तो सबसे पहले मैं आपको जैविक तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही सस्ता है। तो जैविक तरीके में इसके लिए आपको 40 से 50 दिन पुराना, यानी 40 से 50 दिन पुराना 15 लीटर गौमूत्र को तांबे के बर्तन में रखकर 5 किलो धतूरे की पत्तियों व तने के साथ उबालें। जब ये 7.5 लीटर यानी 7.5 लीटर गौमूत्र शेष बचे, तब इसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद छान लें। फिर इसको मिश्रण तैयार कर दें और 3 लीटर प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ जैविक तरीका, ये बहुत ही सस्ता है। तो सस्ता क्या है, ये मान लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई खर्च नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। और आप जब जाएंगे वहाँ से दवाइयाँ लेने के लिए, तो केमिकल वाली जो नुकसान करती है, हमारे खेतों को भी नुकसान करती है, हमारी फसल को भी नुकसान करती है, और जो हमारा उपभोक्ता होता है, जो हमसे सब्जियाँ खरीदता है, जो हमारा कद्दू जो खरीदेगा, उसकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो मेरा पहला प्रयास होता है कि मैं आपको जैविक तरीके से बताऊँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं केमिकल वाला ही बताना चाहिए, तो मैं आपको केमिकल वाला भी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको केमिकल वाला भी बताऊँगा। और जैसे कुछ, जैसे मैं आपको समझ में आने के लिए स्क्रीन पे कुछ खाद या बीज के फ़ोटो दिखा देता हूँ, तो मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, वो मैं केवल इसलिए दिखाता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे होता है, वो मोजिक लग जाता है। मोजिक तो आप जानते होंगे, भिंडी में भी लगता है, उड़द की खेती में, उड़द मूंग की खेती आजकल आप कर रहे होंगे, उसमें भी लगता है। अगर आप चाहते हैं कि उड़द मूंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मोजिक जो होता है, ये विषाणुओं से होता है, और पत्तियों की बढ़वार इससे रुक जाती है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, और इसके बाद जब पत्तियां मुड़ जाती हैं तो फल भी छोटे रह जाते हैं, और जब फल छोटे हो जाते हैं तो उपज अपने आप कम हो जाएगी। यह रोग जो होता है, ये चैंपा द्वारा फैलता है। तो उपज कम हो जाती है तो इससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं इसके रोकथाम क्या करें। इसके रोकथाम के लिए भी मैं आपको जैविक तरीका ही बताऊँ, क्योंकि अगर आप बीज भंडार पर जाएंगे, केमिकल की दवाइयाँ तो आप ले लेंगे, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप जाएंगे, बहुत तरीके की मिल जाएंगी। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको जैविक तरीका बताऊँ। तो चलिए बताते हैं। मोजिक के रोकथाम के लिए आपको नीम का काढ़ा, नीम का काढ़ा तो आप समझते ही होंगे, नीम का काढ़ा या फिर तंबाकू गौमूत्र मिलाकर, तंबाकू गौमूत्र से मिला करके पंप द्वारा छिड़काव करें। और इस रोग में जो है धब्बे बन जाते हैं, और वो धब्बे जो फल में होते हैं, बाद में बीज में भी मिल जाते हैं, फिर बीज के द्वारा ये फैल जाता है। क्योंकि जब वो बीज आप बोएंगे तो वो जा करके पूरे
फसल में यही कर देगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बीज बोने से पहले उसको शोधित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप शोधित करते हैं जो उससे पहले जो समस्याएं उस बीज के अंदर होती हैं वो समस्याएं आपकी फसल में नहीं आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन कैसा देगा। जो कद्दू है ये इस समय वाला जैसे आप खेती कर रहे हैं तो इसका उत्पादन कितना होगा। तो इसका उत्पादन अगर हेक्टेयर में बात करें तो 400 से 450 हेक्टेयर का उत्पादन देता है। लेकिन मैं बीघे में बताता हूँ आपको, अगर आपको एकड़ कट्ठा या फिर हेक्टेयर में वो चाहिए कि इस बारे में जानकारी दें तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं बीघे का बता रहा हूँ। तो एक बीघे में हमारे 100 से 150 क्विंटल तक का उत्पादन दे देता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि खेती रिलेटेड ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।